माओ की अकसाम, डॉक्टर अम्मी, एक थप्पड़ पड़ेगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी, रिमाइंडर अम्मी, एक बात तुम्हें कितनी बार बतानी पड़ती है, नजूमी अम्मी, मुझे पहले ही पता था कि ये गिलास टूटेगा, कंफ्यूज अम्मी, मैं इंसान हूँ या फिर मशीन, खुदगर्ज अम्मी, मैंने लंच में पराठे तुम्हारे लिए दिए थे, तुम्हारे दोस्तों के लिए नहीं, शक्की अम्मी, 10 में से 10 नंबर, जरूर तुमने नकल की होगी, दहशत गर्द अम्मी, रख दे इस मोबाइल को वरना आग लगा दूंगी। आज मैं आपको बताऊंगा चाय बनाने का सही तरीका। एक अदद छोटा बहन भाई लें, उसे 2 अदद चपेड़े लगाएं और कहें, चल उठ और जाकर चाय बना। जब हम बच्चे थे तब बड़ों की बात सुनने का रवाज था, और अब जब हम बड़े हुए हैं तो बच्चों की बात सुनने का रवाज हो चुका है। हमारी ना तब किसी ने सुनी और ना ही अब कोई सुनता है। अगर लड़कियां पायलट होती, लड़की, हेलो कंट्रोल टावर, फ्लाइट नंबर 365, हमें एक प्रॉब्लम है। कंट्रोल टावर, क्या प्रॉब्लम है बताएं। लड़की, कुछ नहीं। कंट्रोल टावर, प्लीज बताएं क्या प्रॉब्लम है। लड़की, रहने दीजिए। कंट्रोल टावर, प्लीज बताएं। लड़की, कुछ नहीं, आई एम फाइन, आप नहीं समझ सकते। कंट्रोल टावर, अरे खुदा के लिए बताएं क्या प्रॉब्लम है। लड़की, बस अकेला रहने दो मुझे। कंट्रोल टावर, अरे दीवानी, 200 मुसाफिर हैं इस जहाज में। लड़की, हाँ मेरी तो कोई परवाह ही नहीं, इन 200 की है, बस मुझे आपसे बात नहीं करनी।